सावन पूर्णिमा पर इस वृक्ष को छू लेना, जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी, फूटी से फूटी किस्मत भी चमक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सावन माह 31 अगस्त को समाप्त होने वाला है। यह माह भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। इस माह में भगवान शिव स्वयं धरती पर आकर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। सावन माह की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह दिन भगवान शिव के साथ भगवान श्रीहरि विष्णु को भी समर्पित होता है। इसलिए सावन पूर्णिमा पर सिर्फ इस एक वृक्ष को छूने मात्र से ही भगवान श्रीहरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ ही भगवान शिव माँ पार्वती की भी असीम कृपा प्राप्त होती है, जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ वृक्ष को चमत्कारी और पूजनीय बताया गया है। इनमें दिव्य शक्ति मौजूद होती है। शास्त्रों के अनुसार सावन माह में इस वृक्ष का स्पर्श करने मात्र से ही धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से बरसों पुरानी गरीबी भी चुटकियां बजाते ही दूर हो जाती है। घर में कभी भी गरीबी प्रवेश नहीं कर पाती। घर से दुख दरिद्रता का हमेशा के लिए नाश हो जाता है। जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी दिक्कत दूर हो जाती है। सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है। माँ लक्ष्मी के साथ ही भगवान विष्णु भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही समस्त देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद भी मिल जाता है, जिससे बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन चमत्कारी वृक्ष के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और भी यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको जिस वृक्ष के बारे में बताने जा रहे हैं वह है बिल्व पत्र का वृक्ष। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, इससे वह अपने भक्त के सभी संकटों को दूर कर देते हैं। बेल पत्र को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि बेल पत्र के वृक्ष को श्री वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जड़ में माँ लक्ष्मी का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार बेल पत्र के वृक्ष पर अगर आप जल चढ़ाते हैं तो इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि इस वृक्ष की जड़ में माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है और जीवन भर कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता। जिन लोगों के काम बनते हुए बिगड़ जाते हैं, उन्हें बिल्व पत्र के पेड़ की जड़ का पूजन अवश्य करना चाहिए और जड़ के पास एक दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से सभी संकट दूर हो जाते हैं। इसकी जड़ में क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए यहाँ दिया जलाने से माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आर्थिक संकट भी दूर हो जाता है। बिल पत्र के वृक्ष को बहुत ही चमत्कारी बताया गया है। इस वृक्ष का स्पर्श कर जय माँ लक्ष्मी का जाप करते हुए माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है और कभी भी घर में गरीबी प्रवेश नहीं कर पाती। जो लोग तीर्थ स्थल के दर्शन के लिए नहीं जा पाते, उन्हें बिल्व पत्र के पेड़ की जड़ पर जल चढ़ाकर फिर उस जल को अपने माथे से लगाना चाहिए। इससे तीर्थ भ्रमण के अनुसार ही पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर का दान करना चाहिए। ऐसा करने से धनाध्यक्ष कुबेर जी के आशीर्वाद से घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, दूसरा जो चमत्कारी वृक्ष है वह है आंवले का वृक्ष। आंवला भगवान विष्णु का सबसे प्रिय फल है। आंवले के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए इसका पूजन किया जाता है। आंवले के वृक्ष के पूजन के महत्व को ही दर्शाने के लिए आंवला नवमी का पर्व भी मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार
भगवान शिव के प्रिय बेलपत्र में और भगवान विष्णु जी के प्रिय तुलसी में जो गुण होते हैं वह सारे गुण मिलाकर आंवले के वृक्ष में होते हैं। इसलिए आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव को भी अत्यधिक प्रिय है। इसलिए आंवले के वृक्ष का पूजन करने से भगवान शिव भगवान विष्णु दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा अगर आप कर लेंगे तो ऐसा करने से भगवान विष्णु भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। आज के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन अवश्य ही करें। आंवले के वृक्ष पर जल चढ़ाकर एक दिया जलाएं। ऐसा करने से भगवान शिव भगवान विष्णु की कृपा से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस पूजन के बाद आप अगर कुछ दान भी कर देते हैं तो उसका आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव भगवान विष्णु के प्रिय इस आंवले वृक्ष का स्पर्श करने से गौदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। मान्यता है इस वृक्ष के मूल में विष्णु, ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में रुद्र, शाखाओं में मुनिगण, टहनियों में देवता, पत्तों में बसु और फूलों में मरुद्रण तथा फलों में प्रजापति विद्यमान है। कार्तिक माह के महात्म्य में बताया गया है कि माँ पार्वती के श्राप के कारण भगवान विष्णु आंवले के रूप में प्रकट हुए थे। पद्म पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। इसलिए आंवले के वृक्ष का स्पर्श करने से ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं आंवले के वृक्ष को अगर दोनों हाथों से पकड़कर थोड़ी देर खड़ा रहा जाए तो यह आपके हाथ की दुर्भाग्य रेखाओं को भी मिटा देगा और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। इस वृक्ष को बहुत ही चमत्कारी बताया गया है। इसके रोम रोम में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। आंवले के वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी चाहिए और परिक्रमा करते समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से रोग से मुक्ति मिल जाती है और आयु भी बढ़ती है। आंवले के वृक्ष को दूध से सींच कर कच्चे सूत का धागा उस पर लपेटना चाहिए। कच्चे सूत का धागा लपेटते समय 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने से भगवान शिव और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाती है। शास्त्रों में आंवला और बिल्वपत्र के वृक्ष को बहुत ही चमत्कारी और पूजनीय माना गया है। इनके समीप जब तब पूजा पाठ करने से इंसान के सभी पाप मिट जाते हैं। पद्म पुराण में भगवान शिव ने स्वयं भगवान कार्तिकेय से कहा है कि आंवला वृक्ष साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। यह वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और इसके स्मरण मात्र से ही गौदान के बराबर पुण्य फल मिल जाता है। अगर आप इस वृक्ष का स्पर्श भी ना कर पाए, घर के आसपास वृक्ष ना हो तो आप मन ही मन इस वृक्ष का स्मरण ही कर लें। ऐसा करने से आपको गाय का दान करने के बराबर पुण्य फल मिलता है और गाय दान को सबसे बड़ा दान कहा जाता है। आंवले के वृक्ष में दूध की धारा चढ़ानी चाहिए और फिर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से पितर भी तृप्त हो जाते हैं और प्रसन्न होते हैं, जिससे पितर दोष भी दूर हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एक बार धन की देवी माँ लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करने आई। मार्ग में उन्हें भगवान विष्णु भगवान शिव की एक साथ पूजा करने की इच्छा हुई तो माँ को एक आंवले का वृक्ष दिखा। आंवले के वृक्ष में क्योंकि बिल्वपत्र के वृक्ष और तुलसी दोनों ही वृक्ष के गुण होते हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु और भगवान शिव का एक साथ पूजन किया। उन्होंने इस वृक्ष को भगवान शिव भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर पूजन किया। इससे भगवान विष्णु भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए। फिर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन बनाकर
भगवान शिव भगवान विष्णु को भोजन कराया। तो भगवान शिव और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को यह वरदान दिया कि जो भी आंवले के वृक्ष के नीचे आकर हमारा स्मरण करेगा, इस वृक्ष का स्पर्श ही कर लेगा, हम उसके सभी कष्टों को दूर कर देंगे। इसलिए दोस्तों, आंवले के वृक्ष का स्पर्श करने मात्र से ही समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।